हेलो दोस्तों, अगर आप एक इंस्टाग्रामर हो और अपने रील्स को इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो और उस पर लाइक और कमेंट या फॉलोवर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो इसमें आपको सबसे पहले करना होगा, आपको अकाउंट को प्रोफेशनल बनाना हो। आपका अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट है जिस पे आप अगर वीडियो अपलोड कर रहे हो तो उस पर कोई फॉलोवर और लाइक नहीं आ रहा है, क्योंकि वो व्यूज़ ही नहीं जा रहा, आपका अकाउंट प्रोफेशनल है ही नहीं। तो इसके लिए आपको अकाउंट को प्रोफेशनल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल में बदल सकते हैं और अपने लाइक और फॉलोवर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम का अभी अभी अकाउंट बनाया हो तो आपको सबसे पहले फर्स्ट में आपको प्रोफेशनल अकाउंट में बदल देना होगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको फॉलोवर इंक्रीज करने में। अगर आपका अकाउंट पहले से भी बना हुआ है और आपको प्रोफेशनल अकाउंट में बदलना है तो आपको इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा किस तरह आपने। चलिए सीधा मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम को खोलें। इंस्टाग्राम को खोलने के बाद अगर आपका न्यू अकाउंट है या आप अभी अकाउंट बनाए हैं, तो दोस्तों मैंने आपको दिखाने के लिए अकाउंट न्यू अकाउंट बनाया जिसका नाम है छोटा भाई। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने प्रोफेशनल अकाउंट में बदलने के लिए आपको सबसे पहले आपको एडिट प्रोफाइल पर जाना है। एडिट प्रोफाइल पर जाने के बाद अपना स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक करें। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू करने के बाद आपको दिखाएगा किस तरह अपने फॉलोवर को बढ़ा सकते हैं, कॉन्टैक्ट ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको करना है कि आप क्या करते हो, आप क्या हो। तो जैसे अगर आप वीडियो क्रिएटर हो, गेमर हो, कुछ भी हो, तो आप उस टाइप का आप ले सकते हो। अगर आप एडिटर हो, एंटरप्रेन्योर हो, एजुकेशन के लिए वीडियो बनाते हो, तो आप उस तरह। तो मैं वीडियो क्रिएटर पे बनाता हूँ। उसके बाद आपको कर देना है डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, जिससे आपको डिस्प्ले में शो कर दिया जाएगा कि आप एक वीडियो क्रिएटर हो। उसके बाद डन कर दे। ये खुलने में थोड़ा लेट लगा, आप इस पर बहुत सारे दिया हुआ है। अब आप क्या करना चाहते हो, आप इसे बिजनेस की तरह लेना चाहते हो, आप क्रिएटर की तरह लेना चाहते हो। तो मैं एज ए क्रिएटर करता हूँ, आप अपने हिसाब से चॉइस कर लीजिए। तो मेरे यहाँ जीरो स्टेप हो गया। अब मैं अपना कंप्लीट प्रोफाइल करता हूँ, तो आप भी अपना प्रोफाइल इसी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे मैं नाम यहाँ दे देता हूँ छोटू। तो गाइज, आप अपने हिसाब से नाम दे दें। इसका यूज़र नेम मैं वही रहने देता हूँ अपना। आपका कोई यूट्यूब चैनल है या कुछ भी है तो आप दे सकते हैं। और बायो बायो में आपको जो भी देना, मैं ऐसी कुछ भी दे देता हूँ। मैं कुछ भी आपको दिखाने के लिए सिर्फ ऐसा ही दे दिया। उसके बाद क्लिक पर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ ऐड ए प्रोफाइल पिक्चर बोल रहे हैं। तो आप अपना कोई भी प्रोफाइल फ़ोटो ले, मैं आपको प्रोफाइल फ़ोटो लेके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल फ़ोटो ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये प्रोफाइल फ़ोटो लिया है, इस प्रोफाइल फ़ोटो को मैं लगा देता हूँ। लगाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपका एक प्रोसेस हो गया। अब आपको जाना है ग्रो योर ऑडियंस, आप किस तरह अपने ऑडियंस को बढ़ा सकते। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट से आपको किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट या फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, मैं पहले यहाँ पे कुछ फॉलो करके दिखा देता हूँ। तो कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जिसे मैं फॉलो कर लेता हूँ। फॉलो करने के बाद डन पर आप क्लिक करें। फिर से डन पर क्लिक करें, आपका सेकेंड स्टेप भी पूरा हो जाएगा। सेकेंड स्टेप पूरा हो जाने के बाद आपको शेयर कंटेंट व्यू इनसाइट में जाना होगा, क्रिएट पोस्ट पे जाना होगा। आपको कोई भी पोस्ट क्रिएट करके आपको अपलोड करना होगा। अगर आप नहीं करना चाहते स्किप मार सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पोस्ट ले लेता हूँ और पोस्ट को एक बार आप सभी को दिखाने के लिए पोस्ट लिया हूँ। मैं इससे पोस्ट करता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर का मैंने एक इमेज लिया, इस इमेज को मैं पोस्ट करता हूँ। आप इधर से आप टैग पीपल कर सकते हो, आपको नहीं पता तो आप यहाँ से टैग कर सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देता हूँ। आप फेसबुक पे, ट्विटर पे और भी बहुत सारे पे एक ही क्लिक पे आप सब पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑन कर लें। मेरा प्रोफेशनल अकाउंट हो गया, मैं प्रोफाइल पिक्चर बना लिया और एक बार मैं दिखा देता हूँ। आप अपने पोस्ट को बूस्ट भी कर सकते हो इस तरफ से। तो अभी तक मेरा प्रोफेशनल अकाउंट हो गया, मेरा डन हो गया, प्रोफेशनल अकाउंट बन गया। आप देख सकते हैं मेरा स्टेप पूरा होने वाला है। फिर से एक बार वही स्टेप में आपको, अगर आप जाते हैं तो फिर से आपको वही स्टेप पे आना होगा। आपको जो दिया सिर्फ आपको डन करना है। तो यहाँ देखिए मेरा नाम में कुछ गड़बड़ है, तो आपको नेम सही करके मैं दिखा देता हूँ।
सेकंड स्टेप हो गया, क्रिएट पोस्ट मैंने कर ली। आपको थर्ड में आना है इनसाइट या प्रमोशन, तो मैं आपको इनसाइट में जाता हूँ। गो टू इनसाइट, व्यू इनसाइट, आपका किस तरह ऑडियंस का रीच आ रहा है क्या नहीं आ रहा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका अकाउंट कितना रीच आ रहा है नहीं आ रहा, आपका फॉलोवर कितना परसेंट बढ़ रहा है डेली, आप यहाँ से स्टोरी, रील, वीडियो, लाइव प्रमोशन आप सब कर सकते हैं। ये 7 दिन के बाद आपको दिखाता है मैंने थर्ड ऑप्शन। अब आपको करना है कॉन्टेंट व्यू साइड, तो आपको फिर से एक बार क्रिएट पोस्ट में जाना है। तो मैं क्रिएट पोस्ट के लिए मैं अपना एक इंट्रो ले लेता हूँ, इस इंट्रो को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इंट्रो को लेने के बाद यहाँ मैं अपना चैनल का नाम दे देता हूँ, और इसे मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड क्यों नहीं है, कुछ तो गड़बड़ होगा। एक बार मैं फिर से लेता हूँ अपने पोस्ट को, लेने के बाद इस वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ। सौरभ सॉल्यूशन टेक, उसके बाद इस शेयर पे लिखा हुआ आपको 3 फोटोज और वीडियोज विद इन फर्स्ट वीक। आपको 3 फोटो और 3 वीडियो आपको 1 हफ्ते पे पोस्ट करना होगा, जिससे आप अपने इनसाइट पे आप देख सकते हैं कितना आपको रीच आ रहा है कितना आपको रीच नहीं आ रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। आपने वीडियो यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा, 3 हफ्ते में आपको 3 दिन यहाँ से अपलोड करना है, जिससे आपका प्रोफेशनल अकाउंट पूरा क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने एक पोस्ट यहाँ पर किया है, यहाँ पर मेरे कुछ सजेशन पे दोस्त फॉलो करें। आप यहाँ से आप अपना प्रोफाइल को एडिट, ऐड अपना टूल्स कर सकते हो, आप अपना पोस्ट को प्रमोट कर सकते हो। आप यहाँ पर अपना इनसाइट को देख सकते हो आपका किस तरह का आ रहा है, अपने IGTV को भी खोल सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मेरा एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन है पूरा। ये मेरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, यहाँ आपको 30 दिन में रीच करेगा अगर आप हर हफ्ते 3 वीडियो और 3 फोटो को अपलोड करते हो। तो आपको कंटिन्यूस आपको इस पर सेंसिटिव रहना होगा, आपको हमेशा अपने पोस्ट आपको पोस्ट अपलोड करना होगा, जिससे कि आप का अकाउंट में आपको फॉलोवर इंक्रीज होगा और लाइक भी बहुत आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।